आने वाली अनवांटेड आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले अपना जीमेल खोल लीजिए और मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा और डेटा एंड प्राइवेसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नीचे की तरफ जाएंगे, डिलीट ऑप्शन दो जगह दिया हुआ है तो पहला वाला छोड़ देना है, डाउनलोड और डिलीट योर डेटा छोड़ देना है। नीचे की तरफ आना है, इसको छोड़ देंगे हम डिलीट ए गूगल सर्विस, और यहाँ पर आ जाइए कम्प्लीटली डिलीट योर गूगल अकाउंट, यानी कि अपना जीमेल अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने पर यहाँ पर ये दो बिंदियों पर टिक लगाएंगे और डिलीट अकाउंट करेंगे तो जीमेल अकाउंट हमारा डिलीट हो जाएगा और जीमेल से जुड़ी हुई सारी सर्विस डिलीट हो जाएगी। ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर हमारा अकाउंट डिलीट हो चुका है। अगर भूल से डिलीट किया है तो रिकवर योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपना जीमेल खोलते हैं और देख लेते हैं कि हमारा अकाउंट डिलीट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए हम इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं, ये पहले से खुला हुआ था, रिफ़्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पर अकाउंट डिलीट बता रहा है। अब हम इसको पासवर्ड डाल के खोलेंगे तो भी डिलीट अकाउंट बताएगा क्योंकि हमने अकाउंट को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड जो पुराना वाला था वही डालेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि अकाउंट डिलीटेड, यानी ये अकाउंट डिलीट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये हमारा अकाउंट अब रिकवरी ऑप्शन में आ जाएगा और पासवर्ड को डालना है और नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जो इससे मोबाइल नंबर जुड़ा होगा, वो OTP डालना है और यहाँ पर आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, यानी जीमेल अकाउंट और उससे जुड़ी हुई जितनी भी सर्विस है वो दोबारा से आ जाएंगी। और कंटिन्यू पर क्लिक करिए तो आपका जीमेल ओपन हो जाएगा। इस तरह से किसी भी जीमेल अकाउंट को डिलीट कर देते हैं और वापस से उसको रिकवर भी कर सकते हैं।